साथ बट लॉर्ड नॉट द लीस्ट गुरु जी आपका ही रुख करना चाहेंगे। गुरु जी अशोका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत बहुत लंबे समय से अच्छी चल रही है, ग्रह अच्छे चल रहे हैं। 2001 से लगातार वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने रहे, तो मोदी की जो ग्रह दशा है अच्छी तो है, वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन क्या कुछ है उसमें ऐसा खास कि प्रधानमंत्री के जो सितारे हैं वो आसमान पर? देखिए, माननीय मोदी जी के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, उनका जो मैंने चार्ट बड़ा डीपली स्टडी किया है जी, और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें देखिएगा, इस टाइम जो है संसार का जो राजा है वो शनि है और मंत्री उसका जो है वो है सूर्य। इस टाइम वर्तमान में शनि और केतु की युति चल रही है और माननीय मोदी जी की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है जी, और उनके जो ग्रह दशा है अगर आप उनके चार्ट को स्टडी करते हैं तो बहुत टेंशन में से गुजरे हैं इस दौरान में, ये जो उनका पीरियड था वो बहुत टेंशन से गुजरे हैं, जिसके कारण उनको जो है हिमालय में जाना पड़ा और वहां उन्होंने साधना करके अपने आप को दोबारा एनर्जाइज किया। लेकिन ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि शनि और केतु जो है इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म और इस जन्म के शुभ कर्मों का फल देता है, और जहां तक उनका टेन्योर अगर आप 5 साल का देखते हैं तो उनमें उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका उनको बेनिफिट जनता बेनिफिट देगी एंड डेफिनेटली ही विल गेट द ठीक है सक्सेस। ठीक है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं प्रतिका जी? चलिए हम माननीय मोदी जी के लिए टैरो कार्ड देख लेते हैं, क्या इशारा है टैरो कार्ड का। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो अभी जो उनका 23 तारीख के हद तक जो हमने अगर कार्ड उठाए तो पेज ऑफ कार्ड ये सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं, हर जो जो भी है साथ में युद्ध करने के लिए वो तैयार है, मतलब उनका जो वो है वो मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि ये जो 23 तारीख के बाद 23 तारीख के बाद का भी हम कार्ड देख लेते हैं। देखिए, 23 तारीख के बाद मेरे कार्ड है 6 ऑफ पेंटाकल्स, ये इशारा कर रही है बिल्कुल वही होने वाले हैं जो सोचने वाले सोच रहे इतने दिनों से। और साथ साथ हम अगर उनके डेट ऑफ बर्थ के हम अगर बात कर देखिए 17/9/1950 तो उनके साइकिक नंबर 8 बन रहे हैं, 7+1 8 आठ। फिर से वे मैं वही कहूंगी इस वक्त जो है इस साल का जो शनि है, शनि का नंबर 8 हो रहा है, शनि राजा है, वो राजा का जो उनके साथ जो दे साथ देंगे, जरूर देंगे साथ साथ। और उनके जो डेस्टिनी नंबर जो है उनका 5 आ रही है, जो कि उनको इस साल जो है बहुत सारा कुछ सिखा गए है इस साल है। उनके साथ साथ जो और 2 नंबर आई है उसके लिए भी मैं बात करूंगी, 2 नंबर पर्सनल नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, और अंक शास्त्र क्या कुछ कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत को लेकर चंद्रमोहन जी? हाँ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अंक 7 है जो केतु को दर्शाता है। केतु ग्रह यश कीर्ति और पताका को बढ़ाने वाला है, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को संयोग से केतु की ही महादशा चल रही है। केतु में शुक्र का अंतर 23 दिसंबर 2018 से 22 फरवरी 2020 तक रहेगा। ये समय इनके लिए सर्वोत्तम समय है और वो पुनः प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ होंगे और यश कीर्ति अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में अपनी कीर्ति बढ़ाते रहेंगे। के बारे में आपकी गणना बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की राशि वृश्चिक है और क्योंकि वृश्चिक राशि और वर्तमान समय में क्योंकि वर्ष का राजा शनि है, वो धनु राशि में है, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व तो बड़ा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा संभव नहीं है। नरेंद्र आपके हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन ऐसा देश की जनता की तरफ से क्या आदेश मिलेगा देखना होगा। कुल मिलाकर आप लोग शामिल हुए मेरे साथ पूजा लगातार कार्यक्रम में बनी रही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल हुए मेहमानों का। और कुल मिलाकर ग्रहों का आदेश हो गया है, जनादेश क्या होगा वो हम लोग कल देखने वाले हैं। तो ग्रह जहां पर 2 बड़े नामों की बात की जाए तो राहुल गांधी के लिए गर्दिश में बता रहे हैं, जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का माहौल है वो 23 तारीख के बाद उनके जीवन में रहेगा, ये तमाम जो सितारे हैं वो कहते हुए